अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। तुम देख रहे हो दिन अहमद मटीरियल। अब तुम अंडर बकरे की निशानी तो अंडर बकरे के गोश्त तो पेशाब की स्मैल आएगी कि नहीं आएगी, यह सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा। इन्हें बारे अच्छी गल की जाएगी। अंडर बकरे के गोश्त तो किसी किस्म की कोई स्मैल नहीं आ रही, तो सिर्फ और सिर्फ गल्ला ने। तुम ये सोचो कि बकरे आप मझ या बकरी चो जी दुध देती होंगी, अगर सिबह करिए तो दुध नहीं निकलता। इस तरह अल्लाह तला का यह निज़ाम इस तरह का कि इन्हें जो गोश्त तो भी स्मैल नहीं आती, यह सिर्फ खलदी हद तक रहा। अगर इन आप कुरबानी तो पहले कोई महीना ये सारे बंदे नहा धो के इन पेश करते हैं। अगर नहा धो के पेश किया जाए लाल के तो गोश्त तो किसी किस्म की कोई स्मैल नहीं आती। और दूसरे नंबर टैडी ना लो, देसी ला लो। टैडी यह हरकत पेशाब की थोड़ी ज़्यादा होती देसी की निस्बत। और दूसरे नंबर पर यह अल्लाह तला ने ऐसा निज़ाम बनाया जिस तरह लेडी डॉक्टर अगर अपनी औरत को प्रेगनेंट चेक करती है तो इस तरह चेक करती, कुछ स्टिक ला के पेशाब के जरिए चेक करते। इस तरह अल्लाह तला ने अंडर बकरे इस तरह का निज़ाम रखा कि वो स्मैल लैके ना पेशाब की तो उन्होंने चेक करता है कि बकरी बोली हुई है नहीं बोली हुई। सिर्फ इतों तक का अमल है। और जो कोई यही समझो अंडर बकरे बकरिया के डॉक्टर होते हैं कि बकरी बोली है कि नहीं बोली। दूसरे नंबर पर इन गोश्त को कोई स्मैल नहीं आती, इनका गोश्त भी खसी बकरी ना टेस्टी होता। और जिन्हें पहलवान बकरे बने हुए हैं जिन्होंने कप शप जितते हैं सारे अंडर बकरे, अंडर बकरा ही वजन घटता है, जोड़ा खसी बकरा उसका वजन रुक जाता फौरी तौर पर। दूसरे नंबर अल्लाह तला ने वैसे ही सैक्स के निज़ाम बरकत भी है तो सारा कुछ इस तरह का कोई सीन नहीं था। ये जो गोश्त कोई स्मैल वगैरह नहीं आती, कुछ भी आपकी राय दो की राय देंगे हो, मैं गलत हाँ तो मेरी करेक्शन करो। वीडियो में इंशाल्लाह पूरा देखो, चैनल में सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सो अल्लाह दे हाफिज़। अगर आपको एक बकरा 65,000 का मिलता है।